नमस्कार, मैं पीयूष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का आगाज उत्तर प्रदेश में हो चुका है लोनी बॉर्डर से। अब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में रहेगी, उसके बाद फिर हरियाणा में हो जाएगी शिफ्ट, और हरियाणा से पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर जाएगी। यहां पर जब से दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश जाने का देखिए समय आ गया नजदीक, उस वक्त काफी हंगामा भी शुरू हो गया था। हंगामा क्या था कि अखिलेश यादव की देखिए सबसे पहले यह हंगामा अखिलेश यादव की तरफ से शुरू हुआ था कि जब अखिलेश यादव ने बोला था कि हमारे पास कोई भी इनविटेशन नहीं आया भारत जोड़ो यात्रा का, और कांग्रेस और भाजपा एक ही पार्टी है, ये बोल दिया था उन्होंने, बयान दे दिया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि राहुल गांधी का देखिए पलटवार आता है कि समाजवादी पार्टी कि विचारधारा जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, वो पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी दूरगामी विचारधारा की नहीं है। ये देखिए फिर राहुल गांधी का पलटवार आता है। फिर दोबारा देखिए अखिलेश यादव बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो मतलब यानी कि जो कांग्रेस के जो काम है, जो कांग्रेस का साथ दिया है समाजवादी पार्टी ने, वो गिनाए थे कि मध्य प्रदेश में कितना साथ दिया था, सेंटर में देखिए साथ दिया था मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस का, तो ये सारे काम फिर गिनाए थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर इनविटेशन आ जाते हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के इन्विटेशन मायावती को, ओपी राजभर को, अखिलेश यादव को, राकेश टिकैत को, इन सभी विपक्ष के नेताओं को दिए थे, जिसमें से ओपी राजभर और राकेश टिकैत ने इन्विटेशन स्वीकार कर लिया है, लेकिन मायावती और अखिलेश ने इन्विटेशन स्वीकार नहीं किया है। हालांकि इन्विटेशन को देखे कुछ बुरा भला नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन धन्यवाद जरूर करता है इन दोनों ने। अब देखिए कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को विपक्ष क्यों नहीं साध रहा है इतना, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है यानी कि मायावती और अखिलेश क्यों नहीं देखे इतनी तवज्जो दे रहे, ये शाजेब समझाएंगे। शाजेब आखिर वजह क्या है कि अखिलेश क्यों नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनको तो विपक्ष एकजुट है, एकजुट ताकत दिखानी चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, बल्कि वो इसका उलट कर रहे हैं कि जा ही नहीं रहे भारत जोड़ो यात्रा में, जिससे साफ भाजपा को फायदा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब 2024 की बात आएगी तो विपक्ष तो एक ही नहीं है, फिर क्या करेगा विपक्ष। देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो अभी फिलहाल है पीयूष, जिसको देखते हुए राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली है भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें शुरुआती दौर में तो उन्होंने ना विपक्ष को एक करने की बात कही, ना प्रधानमंत्री का नेतृत्व करने की बात कही, ना यूपीए के चेयरपर्सन बनने की बात कही, कुछ भी नहीं कहा था राहुल गांधी ने। लेकिन अब जैसे जैसे ये यात्रा जो है अंतिम चरण में जा रही है, कश्मीर की ओर बढ़ती जा रही है ये यात्रा, वैसे वैसे अब राहुल गांधी के सुर कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 1967 का वो दौर याद होगा आपको कि मध्य प्रदेश में डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस समय भी चेयरपर्सन को लेकर के इंदिरा गांधी ने जो जिस तरीके से शुरुआती दौर में रणनीति अपनाई थी, उन्होंने कहा नहीं था कि वो यूपीए की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की रेस में हमेशा से इंदिरा गांधी रहना चाहती थी, और राहुल गांधी भी यहीं पर है। लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर से इंदिरा गांधी ने उस समय भी नहीं बोला था कि यूपीए की चेयरपर्सन बनेगी, इस वजह से सिंडिकेट के जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेसों के सिंडिकेट के नेता, उन्होंने फिर इस चीज का विरोध कर दिया था कि उनके वोट बैंक में जो है क्षति हो सकती है साउथ एरिया में, यानी दक्षिण वर्ती क्षेत्रों में जो है वहां पर वोटों में सेंधमारी हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। ये वही कांग्रेस है जो उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बनाते आई है, एक महिला मुख्यमंत्री दिया था उन्होंने, कृपलानी कुमारी, तो ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है। और अब उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो समाजवाद सोच, सेकुलर का सीधा सीधा अर्थ होता है समाजवाद, और समाजवाद की सोच एक पार्टी समाजवाद के नाम पर ही विकसित हुई है, और एक पार्टी अपने आप को सेकुलर और कभी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व में भी जो है वो पार्टी अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है कांग्रेस। और कांग्रेस की जो राजनीति है, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात को अभी भलीभांति समझ रहे हैं कि उनको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाना है, और अगर उत्तर प्रदेश में ही वो अपने वोटों पर, सेकुलर वोटों पर, सॉफ्ट हिंदुत्व वोटों पर सेंधमारी करने दे देते हैं राहुल गांधी को, तो ये उनके लिए आगामी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा
चुनाव में भी बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का अगर आप रूट मैप देखिएगा तो उससे आपको 2024 का रूट मैप नजर आएगा, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है आज से, वो क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पर अखिलेश यादव के कोर वोटर्स जो है मौजूद है, और उस वो अखिलेश यादव हरगिज नहीं चाहेंगे कि जो उनका कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जाकर के कांग्रेस में शिफ्ट करे, और यही कारण है कि अखिलेश यादव लगातार यहां पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार ठीक ऐसी स्थिति बनी थी संजय गांधी की यात्रा में, उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार हुआ करती थी, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में संजय गांधी की यात्रा का विरोध हुआ था, और ठीक वैसी चीज अभी राहुल गांधी फेस कर रहे हैं। लेकिन वो एक ऐतिहासिक यात्रा थी और ये भी एक ऐतिहासिक यात्रा है, लेकिन अभी विपक्ष बहुत ज्यादा तितर बितर हो गया। आप देखेंगे कि शुरुआती दौर से कांग्रेस इतना ज्यादा टूटते हुए आए, चाहे आप बात कर ले बंगाल की, चाहे आप बात कर ले महाराष्ट्र की। देखिए एक दौर था शरद पवार जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो टूट गए, महाराष्ट्र में वोट बिखर गया, टीएमसी ममता बनर्जी वहां पर वोट बिखर गया, डीएमके अकाली दल, इन सब जगहों पर कांग्रेस का जो वोट था वो बट गया। नहीं तो एक दौर था कि कांग्रेस 518 सीटों में से 461 सीटें भी लेकर के आई है लोकसभा में। तो वो कांग्रेस की आज स्थिति इस कदर हो गई है कि उनका वोट छोटी छोटी पार्टियों में बट गया है, क्योंकि वो मिलावटी वोट बैंक लेकर के चलती थी। उनके पास दलित का भी वोट था, उनके पास जो है पिछड़ों का वोट था, ओबीसी का वोट था, मुस्लिम समुदाय, जैन, सबका वोट था। और जैसे जैसे छोटी छोटी पार्टियां यहां पर बनती गई, वैसे वैसे कांग्रेस का वोट शिफ्ट होता गया। और राहुल गांधी इस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं कि जो जो वोट बैंक उनसे तितर बितर हुआ है, कभी अभी देखिए कि यहां पर जयराम रमेश ने एक ऐलान किया था कि वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो कहां पर नींव जो बैठाने का काम कर रहे हैं, वो उनके जो टूटे हुए वोटर्स हैं उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो इज इक्वल टू अपना पुराना वोट बैंक वापस लेकर के। और इस वजह से केरल में राहुल गांधी की यात्रा का विपक्षी नेताओं ने विरोध कर दिया था। तो यही सारे कारण है जो उत्तर प्रदेश, देखिए और सब राज्यों में विरोध होता तो एक बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और भारत के राजनीति की दिशा तय करता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है उसमें। इस वजह से वहां पर जो हंगामा हो रहा है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, और अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत वर्चस्व है, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। इस वजह से अखिलेश यादव भी इस बात को भांप चुके हैं कि अगर कांग्रेस का समर्थन वहां पर करते हैं तो उनके ही वोट बैंक में सेंधमारी कांग्रेस करते हुए नजर आएगी। नहीं बिल्कुल, देखिए आपने काफी अच्छे से समझाया साझे में हमारे जनता को कि कैसे कांग्रेस 461 सीटें भी देखिए वो कांग्रेस लाती थी, लेकिन अब वही कांग्रेस वोट वोट को मोहताज है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा का जो देखिए मेन लक्ष्य है, जैसा कि कांग्रेस बोलती है कि भारत जोड़ रहे हैं और बीजेपी जिस भारत को तोड़ रही है उसी को हम जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को साधने में भी देखिए कांग्रेस पीछे नहीं है। लेकिन कांग्रेस कितना विपक्ष को साध रही है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप कैसे समझ रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि विपक्ष को जितनी चिट्ठियां लिखी गई उसमें से जैसे 100 चिट्ठियां भी लिखी है तो भी उसमें से 3-4 का ही जवाब आया कांग्रेस को। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस आगे क्या करती है इस भारत जोड़ो को लेकर, जब ये पंजाब में जाएगी, जब ये हरियाणा दूसरे चरण में जाएगी, जब ये जम्मू कश्मीर में जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।